नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम लोग आए हैं आजमगढ़ के एक बहुत प्रसिद्ध जगह दुर्वासा धाम पे, जो दुर्वासा ऋषि के नाम पे रखा गया था। बाबा जी हैं, वो बात करने के लिए तैयार हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो बाबा जी, तो पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हागो गिरी। हागो गिरी। तो ये बताइए बाबा, दुर्वासा इसका नाम क्यों पड़ा? दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ यहाँ तपस्या किए। अच्छा, तो उस वक्त में 88,000 ऋषि कितने दूर में रहे होंगे। हाँ, बाबा जो है दुर्वासा ऋषि इसी संगम पर, मंजूषा और तामसा के संगम पर उन्होंने बैठा तपस्या। नदी का संगम है, हाँ, मंजूषा और तामसा है जो। तो ये जो है कि यहाँ बैठे, जब पूरा हो गया तपस्या तो वहां के इस मंदिर जो बीच लिंग है वहाँ शिवलिंग, तो वो समाहित हो गए, पताल को गए और पताल से लेकर के शिव जी को निकले। एक तरफ शिव जी है, एक तरफ दुर्वासा ऋषि है। तो ये दोनों बीच से भाग बना हुआ है। आज के इस टाइम में यहाँ से 30 कोस अयोध्या है, 30 कोस काशी है, मध्य यही जगह है। 30 कोस काशी, 30 कोस अयोध्या है। अयोध्या है, उसी बीच में ये बैठे हुए हैं। और चंद्रमा मुनि दोनों भाई इसी घाट पर बैठे हुए हैं। ये जो गई है नदी संगम होकर के, तो यहाँ जो है कि सती अनसुईया ने जब परीक्षा उन्होंने लिया था, तीनों देवियों ने, तो यही जो है कि सती अनसुईया ने उनको बालक बना करके और जांघ पर बैठा के भोजन कराई थी। तो ये मानता यहाँ पे चली आ रही, इससे मानता। और ये मंदिर किसका है? प्राचीन मंदिर दुर्वासा ऋषि के नाम पर है। कितने पुराना मंदिर होगा ये साहब? अब इसका हम अनुमान क्या लगावा है? कम से कम हजारों बरस के हिसाब, काफी पुराना मंदिर, काफी पुराना। इसकी रिपेयरिंग, मनोकामना जिसकी पूर्ति होती है वो आकर के कराता रहता है। रहता। और बेल के लाशा और कंकड़ को कूट करके उस टाइम में ये बना हुआ है। अच्छा, बेल के लाशा से और कंकड़ को कंकड़ कूट कूट के करके मंदिर ये बना। मंदिर बना हुआ है। अच्छा, इसकी दीवार जो है देखिए कितनी गंभीरता और कितनी हाँ, सहल चीज है। अच्छा, हाँ, और ये जो है कि यहाँ कल्पना की मूर्ति दो रखी हुई है, एक इस बगल में है और एक पुरानी वहां है उस पार में। यहीं से चित्रकूट को भगवान आकर दर्शन करके फिर आगे बढ़े चित्रकूट के अच्छा, लिए। तो यहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है बहुत आजमगढ़ का। बड़ा, हाँ, आजमगढ़ का शायद सबसे बड़ा मेला लगता सबसे बड़ा मेला लगता है। है। ये और मेला ये कब से लग रहा है? कार्तिक में, अच्छा, कार्तिक में लगता कार्तिक के पूर्णिमा को यहाँ नहान होता है। काफी यात्री, कई हजारों में है। हाँ, जनसंख्या जुटती है, दुकानें बहुत बड़ी दूर दूर से आती हैं। यहाँ समझ लो कि अनेक प्रकार के चीजें उपलब्ध होती हैं। और इसके बाद जो है कि ये दुर्वासा ऋषि का स्थान जो है कि बहुत दिन के बाद लोगों को प्रचलित हुआ है। पहले दुर्वासा के नाम में इलाहाबाद एक गांव था, उसको लोग जानते थे, अच्छा, लेकिन वेद और शास्त्र से ये चीज जो है मंजूषा तामसा पर लोगों ने कहा, जो मंदिर है दुर्वासा ऋषि का अच्छा, ये जो असली चीज नदी वो वाली आ रही है, मंजूसा है। ये तामसा है। अच्छा, और इधर से जो अकबरपुर से आए, हाँ, ये अकबरपुर से आई है अयोध्या की तरफ से, अच्छा और ये जो है सुल्तानपुर से आई। अच्छा दोनों का यहाँ संगम। संगम है। आगे चल करके इसमें दो नदी और संगम हुई है, एक सीलनी और एक ये कुंवर फूलपुर वाली। अच्छा, ऐसे इसमें कईयों मिलती गई, मिलती जाती। ये चली जाती है गंगा जी में। और क्या क्या मान्यता है हिंदू धर्म में, जैसे दुर्वासा जी, दुर्वासा धाम में और क्या क्या मान्यताएं रही हैं? मानता यहाँ ये है साहब, सब लोग बड़े बड़े ब्राह्मण आ करके यहाँ जो कार्य होता है वो सिद्ध करवाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। मानता यहाँ की बड़ी उपलब्ध है, बड़ा आनंद यहाँ है। और कई मेले लगते हैं छोटे बड़े, मतलब सालों में बहुत काफी मेले लगते हैं। जैसे पूर्णिमा हुआ, तेरस हुई, धनतेत्री हुई, ऐसे ऐसे कई लगते और हैं। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं दुर्वासा में? हमारा मकान यहाँ, अच्छा, यहाँ मकान आपका। मकान है, हम यहाँ बैठे रहते हैं। जब टाइम मिलती नहीं तो यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक मुड़ियार है, हाँ मुंडेश्वर नाथ, जी, वहाँ
उस मंदिर के हम पुजारी हैं। आप वहाँ के पुजारी हैं। वहाँ भी कभी हम जाके जल चढ़ाते हैं सवेरे, फिर उटमा में जो उटमा का मंदिर है वो समझ लो कि परशुरा इनके क्या नाम है आपके भरत जी के नाम से वो प्रसिद्ध है, वहाँ भी शिवलिंग है मंदिर है, उसको हमने बनवा रहे हैं, शंख मरमल लग रहा है, वो भी प्राचीन मंदिर है, वही विराजमान। अच्छा वही, ये बताइए यहाँ पे परंपरा चली आई, जब दुर्वासा धाम ये है तो यहाँ की परंपरा चली कि हिंदुओं के शवों को यहाँ पे जलाया जाता है, ये परंपरा कब से है? ये उसी टाइम से, अच्छा उसी टाइम से चला। पहले यहाँ ये जो पुल बना है इसके नजदीक में ये चीज चल रहा था, दोनों का मेल था, जी जी। लेकिन जब ज्यादा साफ बनने लगा तो इसको हटा करके हम लोग जो है कि वहाँ की, क्योंकि दुर्वासा बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, और वहाँ जो है कि अब एक मूर्ति ऐसी बननी जा रही है 12 फुट लंबी। अच्छा यहाँ पे 12 फुट लंबी मूर्ति बनने जा रही है। बनेगी। अच्छा वहाँ पे बनेगी दुर्वासा जगह पे। हाँ वो जो श्मशान घाट। अच्छा श्मशान घाट। हाँ वहाँ अब 3 बीघा का गवर्नमेंट ने वहाँ दिया है जगह। अच्छा अब उसको जो है कि बनाया जा रहा है, जैसे दुर्वासा नाम इसका है वैसे दुर्वासा घाट प्रसिद्ध है। अच्छा हाँ और यहाँ पे लाखों लोग नहाने भी आते हैं जब मेला लगता है। हाँ हाँ हर पूर्णमासी, हर सोमवार को, मंगल को, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, लोग यहाँ आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। एक चीज अभी आपने बताया कि जो मंदिर बना है बेल के लाशें और कंकड़ से कूट के बनाया गया। देखिए कूट, इसको छीनी मारिए हाँ। तो देखिए इसका क्या रहस्य निकल रहा है। तो काफी मजबूत, अभी भी मजबूत है उस वक्त ये, अरे राम राम, इसकी दीवारें देखिए, कम से कम 2 हाथ चौड़ी तो दीवारें हैं हर एक चीज। उस वक्त में कितना खर्च हुआ होगा इस पर, कोई था नहीं। तो आप हमसे जुड़े, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और भी कुछ लोग इकट्ठा हुए, आइए उनसे बातें करते हैं। तो चाचा आपका क्या नाम है? उमा शंकर यादव। तो ये जो चाचा बाबा बता रहे थे कि ये बेल की बनी हुई है, ये सही बात है? बेल से कूट के बनाया गया। अब जितना बाबा बताएं उतना अनुभव हमको जी, है नहीं जी, जी। लेकिन अब जो बताएंगे वो तो जी, ही हम लोग मानेंगे, जी, जी। वही मानेंगे। और आप कहाँ से आए हैं अभी दुर्वासा में? तो अतरौलिया से आए। अच्छा अतरौलिया से आ रहे हैं, अतरौलिया के वहां से आप यहाँ पे आए हैं कुछ? हाँ, यहाँ पे काम है, यहाँ पर काम है। जी जी। तो ये बताइए चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या माहौल है अतरौलिया विधानसभा में? वहाँ तो संग्राम यादव है ना? तो डॉक्टर संग्राम यादव जो है वहाँ ठीक है। ठीक। और क्या क्या कमियां आपको लग रही है सरकार में, जो वर्तमान सरकार है योगी जी की? अब योगी जी की सरकार में तो हमको ये लग रहा है कि किसान बहुत परेशान है, इतना जानवर छुड़वा दिए हैं कि किसान एकदम त्राहिमान त्राहिमान कर रहे हैं। और गौशाले वसाले नहीं बने हैं गाय के संरक्षण के लिए? कहीं अगर खुला भी है तो वहाँ कोई है ये नहीं है, गौशाला में कोई गाय बछड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ केवल नाम पे है कि यहाँ गौशाला बन तो रहा है। आपके हिसाब से कौन सत्ता में आ रही है पार्टी? अब की तो हमारे समझ से है कि समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी है। हाँ। सर योगी जी अब लौट के क्यों नहीं आएंगे, और से क्या कमियां उनकी रह गई? अब और कमियां अब की जनता खुद ही बता रही है कि अब की बार जो है अखिलेश जी आ रहे हैं, साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है उनकी, साइकिल बहुत तेज दौड़, बहुत तेज दौड़ रही है। तो कमल इस बार नहीं चलने वाला? नहीं नहीं अब की बार तो साइकिल दौड़ रही है। और भी कुछ लोग हैं, चाचा आपका क्या नाम है? नहीं हमारा नाम तो कमलेश कुमार है। कमलेश, कमलेश। तो कमलेश जी बताइए क्या माहौल है आपकी तरफ चुनाव, आपका घर कहाँ पे? हमारा घर तो इधर से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा तो ये यहाँ पे पहले बताइए जो मान्यताएं हैं दुर्वासा धाम पे, और क्या क्या मान्यताएं हैं और क्यों यहाँ पे लोग आते रहते हैं? मान्यता है दुर्वासा धाम है ही, यहाँ नदी का भी व्यवस्था है, यहाँ संगम है दो नदियों का, शिव जी का। किन किन नदियों का दो संगम अभी है? ये तमसा नदी और मजनू नदी। अच्छा तमसा और मधुरी, जी यही संगम है। जी जी यही संगम। शिव जी का पुराना मंदिर है। अच्छा ये कितना पुराना मंदिर होगा? यहाँ बहुत पहले से दुर्वासा जी रह चुके हैं। अच्छा जी। तो आपका क्या नाम है? राजू। राजू ये बताइए चुनाव का माहौल क्या है दुर्वासा में? अब दुर्वासा कहें कि कहीं बाहर से आए? नहीं। अच्छा आपके साथ हैं, तो आपकी तरफ चुनाव का क्या माहौल? उधर भी ठीक है। ठीक है। कौन पार्टी जीत रही है, थोड़ा तेज बोलिए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्यों? अब पता नहीं, अब जनता बताएगी। अच्छा आप तो समाजवादी को लगता है वोट देंगे? हाँ। अच्छा कुछ लोग ये थे जुड़े हुए थे हमसे, तो आप ये देख रहे थे खबर अभी दुर्वासा से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य, और यहाँ के लोगों की और जो दूर से आए हैं उन लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर।
कैमरे के पीछे हैं श्याम, मैं हूँ नीरज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।